गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम तुलसीदास द्वारा रचित लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ का अध्ययन करेंगे। लक्ष्मण परशुराम संवाद शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी कहानी की ओर जाते हैं। बात जब की है जब राजा जनक ने सीता का स्वयंवर रचा और उसमें धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से सीता का विवाह होगा, ऐसी शर्त रखी। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, लक्ष्मण राम भी अपने गुरु के साथ आए हुए थे, तो उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और जब वो प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे तो उनके हाथों से ये धनुष टूट गया और ये धनुष परशुराम को प्राप्त हुआ था भगवान शिव से, और ये इन्होंने राजा जनक को दे दिया। इसका आभास परशुराम को हो गया, वो भरी सभा में आए हैं, उन्हें क्रोध आ रहा है और वो धनुष तोड़ने वाले के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं राम खड़े होकर, नाथ शंभु धनो भंज निहारा, होई कहु एक मैं दास तुम्हारा, आ उसका कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई, सुनाओ राम जो शिव धनु तोरा, सहस्त्र भाव सम से रिपु मोरा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। नाथ संबोधन भंज नियारा, हो ही कहो एक दास तुम्हारा। भंज यानी तोड़ना, शंभु यानी शिव का धनुष। राम कहते हैं हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, आउस कहा कही किन मोई, क्या आज्ञा है मुझसे कहते क्यों नहीं, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। ये सुनकर परशुराम क्रोधित होकर बोले, सेवक जो करे सेवकाई, अरि करनी करे लड़ाई, सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करता है, पर ऐसा कर्म कर कर तो उसने लड़ाई वाला काम किया है। सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा, सहस्त्र भाव समसे रिप मोरा, सुनो राम जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र भाव के समान मेरा परम शत्रु है। बच्चों सहस्त्र भाव क्षत्रियों को कहा जाता है, परशुराम क्षत्रिय राजाओं के परम शत्रु थे। सो बिलगाऊं बिहाई समाजा, न तो मारे जाए सब राजा, मैं समझा रहा हूँ कि वो इस समाज से अलग हो जाए वरना सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरे माने, और मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए परशुराम का अपमान करते हुए बोले, बहु धनी तोरी लड़काई, बचपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी हैं, कबू न ऐसी ऋषि किन्हीं को सही, पर नाथ आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया, यही धनु पर ममता कही हेतु, इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों आई है, सुनी रिसाई कहे भृग कुल केतु। ये सुनकर जो हैं भृग वंश के परशुराम क्रोधित होकर बोलते हैं, रे निर्भ बालक काल वश बोलत तो ही न संभाल, हे राजा के पुत्र तू काल के वश में आकर बोल रहा है, अपने आप को संभाल। धनो सब त्रिपुरारो धनो, ये धन कोई साधारण धनुष नहीं है, ये भगवान शिव का धनुष है, विदित सकल संसार, ये बात सारा संसार जानता है, ये अन्य धनुष के समान नहीं हो सकता। बच्चों इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, व्यंग्यात्मक शैली है और दोहा और छंद चौपा, छंद जो है चौपाई है और दोहा है, और बच्चों इसमें जो है रोद रस की भी अनुभूति हुई है। ध्यानपूर्वक इसे पढ़ें,
इसका अध्ययन करें। धन्यवाद।